गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 34 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। आज का टॉपिक हम क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लानिंग का सेकेंड और थर्ड स्टेप होता है। अगर आप देखें तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, यहाँ पर मैं आपको क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बता देता हूँ। एश्योरेंस इज द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग एविडेंस टू क्रिएट कॉन्फिडेंस अमॉन्ग ऑल स्टेक होल्डर्स दैट द क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटी आर बीन परफॉर्म इफेक्टिवली। अगर हम देखें तो एश्योरेंस एक तरीके की एक्टिविटी है जहाँ पे हम किसी भी एविडेंस को प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में एक कॉन्फिडेंस को क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे जो भी हमारी क्वालिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर रहे हैं हम इफेक्टिवली। अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो एक प्लान्ड एक्शंस हैं जो कि हमें एक एडिक्वेट कॉन्फिडेंस को प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को लेके, जिससे कि हम अपनी क्वालिटी से रिलेटेड जितने भी स्टेटेड और इम्प्लाइड नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सकें। अगर आप देखें तो जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो एक तरीके का प्रोसेस है जो कि प्रोवाइड कर रहा है कन्फर्मेशन बेस्ड, जो कि एक एविडेंस की है, जो कि इंश्योर कर रही है कि जो भी डोनर बेनिफिशियरी और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है और जितने भी हमारे अदर स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट की नीड्स को मीट कर पाएंगे, एक्सपेक्टेशन पूरी कर पाएंगे और अपनी अदर रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे। अगर हम देखें तो हम एश्योर कर रहे हैं कि जो भी एक्सटेंस है हमारे प्रोसेस के इफेक्टिवनेस को लेके, हमारे प्रोसीजर टूल्स को लेके और साथ साथ जो भी सेफगार्ड्स हैं हमारे उस प्लेस पे, हम श्योर कर रहे हैं कि वो हमें एक एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ क्वालिटी को रिच करेंगे जब किसी क्वालिटी आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो अकर होती है हमारे इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट में, तो हम इंक्लूड करते हैं इवैल्यूएशन उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस का जो कि एक प्रोजेक्ट में होती है रेगुलर बेसिस पे, जो कि हमें एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है जहाँ पे हमारा जो भी प्रोजेक्ट है उसमें हम अपने जितने भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर डिफाइन किया है उनको सेटिस्फाई करते हैं। अगर हम देखें तो जो पर्पज़ है हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट का, वहाँ पे हम उन एरर्स को फाइंड करते हैं, उन डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट के अर्ली बेसिस पे पॉसिबल होते हैं। अगर हम देखें तो किसी भी गुड क्वालिटी मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है वो हम उसके एंड अप में करते हैं, जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने एफर्ट आवर्स लगाते हैं और कॉस्ट को अप फ्रंट रखते हैं। अगर आप देखें तो जो गोल है उसे हम अपने जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग चांसेस हैं उनको रिड्यूस कर रहे हैं, जहाँ पे हम किसी भी तरीके की जो पुअर क्वालिटी है वो अपने प्रोजेक्ट में कंप्लीट होने के बाद देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो तब पूरी की जाती है, या आप देख सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विस हम डिलीवर कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट से वो भी हम अपने प्रोसेस और प्रोसीजर्स के अंदर यूज़ करते हैं जब किसी प्रोजेक्ट को मैनेज किया जाता है। हम इंक्लूड करते हैं उसमें उन तरीकों को जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर उन टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, मेथोलॉजीज का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने प्रोजेक्ट के स्कोप्स को मैनेज कर सकें, प्रोजेक्ट के शेड्यूल को मैनेज कर सकें, प्रोजेक्ट के बजट को मैनेज कर सकें और उसकी क्वालिटी को मैनेज कर सकें। अगर आप देखें तो क्वालिटी एश्योरेंस इंक्लूड कर रही है कि हम अपने प्रोजेक्ट की जितने भी लीगल और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं उनको कैसे पूरा करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वालिटी ऑडिट्स की। अगर हम क्वालिटी ऑडिट्स को देखें तो क्वालिटी ऑडिट्स एक तरीके का स्ट्रक्चर रिव्यू होता है किसी भी क्वालिटी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ का, जो कि हेल्प करता है कि हम आइडेंटिफाई करें जो भी लेसन्स हमने लर्न किए हैं उससे हम अपनी जो करंट और फ्यूचर प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ है उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। तो ऑडिट्स जो होती हैं उनको परफॉर्म किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट स्टाफ या कंसल्टेंट से जो कि एक्सपर्टाइज होते हैं अपने एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। अगर आप देखें तो जो पर्पस है क्वालिटी ऑडिट का वो है कि हम अपने प्रोजेक्ट को रिव्यू करें, जहाँ पे हम अपने इंटरनल प्रोसेस को यूज़ करके जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अपने बेनिफिशरीज को डिलीवर करें। तो जो भी गोल हैं उसमें हम उन तरीकों को देखते हैं उन से, जिससे कि हम अपने टूल्स और टेक्निक और प्रोसेस के बेसिस पे जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। तो जो भी प्रॉब्लम्स हम डिटेक्ट कर रहे हैं किसी भी क्वालिटी ऑडिट के ड्यूरिंग में, तो हम उनके रिगार्डिंग करेक्टिव एक्शंस ले सकें जो कि हमारे लिए नेसेसरी हैं, जिसमें हम जो भी टूल्स और प्रोसेस और प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करने के लिए उसको रीस्टैब्लिश करें। अगर हम देखें तो जो पार्ट है किसी भी ऑडिट का उसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा जो प्रोजेक्ट स्टाफ है वो हमारे प्रोजेक्ट का रिव्यू करेगा और साथ साथ समझेगा कि क्या क्वालिटी पैरामीटर्स और मेट्रिक्स होनी चाहिए, क्या स्किल्स एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए लोगों की जब वो किसी तरीके के प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हों उसको डिलीवर कर रहे हों। तो जो भी करेक्टिव एक्शंस हैं जिनकी हमें नीड है उनको हम अप्रूव के टाइम पे जो भी चेंजेस हैं अपने कंट्रोल प्रोसेस में वो करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़
PDCA साइकिल। अगर हम देखें तो जो मोस्ट पॉपुलर टूल है किसी भी क्वालिटी असेसमेंट को डिटरमाइन करने का, वो है हमारी PDCA साइकिल, जिसको हम स्वेहार्ट साइकिल भी कहते हैं। अगर देखें तो ये जो साइकिल है हमारी क्वालिटी एश्योरेंस की, वो कंसिस्ट कर रही है उन 4 स्टेप्स को, जिसमें हम प्लान कर रहे हैं, डू कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं एंड एक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो स्टेप्स को हम कॉमनली एब्रिवेट करते हैं एज ए PDCA। अगर देखें तो जो 4 क्वालिटी एश्योरेंस स्टेप्स हैं PDCA मॉडल के अकॉर्डिंग, वो हैं प्लान। प्लान के अंदर हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को, उस प्रोसेस को जो कि हमारे डिजायर्ड रिजल्ट की डिलीवरी के टाइम पे रिक्वायर होगी। डू के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं उस प्रोसेस को जिसको हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप करना है। चेक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं हमारे इंप्लीमेंटेड प्रोसेस के अंदर, जहाँ पे हम अपने रिजल्ट्स की टेस्टिंग करें अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्या है, एक्ट। एक्ट के अंदर हम वो अप्लाई कर रहे हैं एक्शंस को जो कि हमारे किसी भी प्रोजेक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है, जिससे जो हमारा रिजल्ट है उसमें अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है चेंजेस की तो वो हम कर सकें। नेक्स्ट क्या है कि जब हम PDCA को देखते हैं, तो जो PDCA साइकिल है, स्वेहार्ट साइकिल है, जो वो एक इफेक्टिव मेथड है किसी भी क्वालिटी असेसमेंट को मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि हम एनालाइज कर रहे हैं उसके एक एग्जिस्टिंग कंडीशंस और मेथड्स को जो कि हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में प्रोवाइड करना चाह रहे हैं अपने बेनिफिशरीज के लिए। तो जो गोल है हमारे, उनसे हम इंश्योर करते हैं कि किस तरीके से हम एक एक्सीलेंस से अपने जितने भी एवरी कॉम्पोनेंट है प्रोसेस को उनको इनहर्ट कर सकें। तो जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो हमें हेल्प करेगी, हम डिटरमाइन करें कि किन स्टेप्स को हमें यूज़ करना होगा जब हम किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे अपने अप्रोप्रिएट टाइम और कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो अगर आप देखें तो इस एडिशन में हम देख सकते हैं कि जो PDCA साइकिल है वो एक रिपीटेटेड साइकिल होती है थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि हेल्प करती है कि हम अपने इंटरनल एफिशिएंसीज को किस तरीके से इम्प्रूव करें। तो जो PDCA साइकिल है वो अगर हम देखें तो वो कभी भी नेवर एंडिंग साइकिल होती है किसी भी इम्प्रूवमेंट के लिए। तो जो साइकिल की हम बात करें, वो समटाइम्स रेफर करी एक स्वेहार्ट डैमिंग साइकिल जो कि ऑर्गेनेट हुई है स्वेहार्ट ने, जो कि सब्सिक्वेंटली अप्लाइड करी एक मैनेजमेंट प्रैक्टिस बाय डैमिंग। अगर हम देखें तो जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो डिमांड करी एक डिग्री ऑफ डिटेल इस ऑर्डर में कि हम उसको फुली इम्प्लीमेंटेड करें हमारे हर एक स्टेप के अंदर। तो प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं कि जहाँ पे हम इंक्लूड कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की किस तरीके की क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए यूज़ करने हैं, किस तरीके से हम उसकी एक्चुअल असेंबली करेंगे और किस तरीके से हम एक इंस्पेक्शन प्रोसेस को यूज़ करेंगे। तो जब हम चेकिंग करते हैं, स्टेप को फॉलो करते हैं, तो हम उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं कि किस तरीके का बेनिफिशियरी फीडबैक है, सर्वे है, जहाँ पर हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि बेनिफिशियरी की नीड क्या होगी जिनको हमें पूरा करना है और हम उसको किस तरीके से एक्सीड करेंगे। और जो भी एक्शंस हम ले रहे हैं वहाँ पे हम अपने उन टोटल रिविजन्स को कर रहे हैं जो कि एक डिलीवरी प्रोसेस में है, और इस ऑर्डर में हम अपने टेक्निकल फ्लॉ को करेक्ट कर रहे हैं। तो जो गोल हैं हमारे, उनसे हम स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर रहे हैं, उनको मेजर कर रहे हैं, और उस अकाउंटेबल प्रोसेस में हम एक क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद हम कंपेयर कर रहे हैं हमारे एश्योरेंस और कंट्रोल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो एक कन्फ्यूज्ड है हमारी क्वालिटी कंट्रोल से। तो जो क्वालिटी कंट्रोल है वो तब किया जाता है जब हम किसी प्रोसेस के एंड में होते हैं, किसी एक्टिविटी के एंड में होते हैं, तो वहाँ पे हमें वेरीफाई करना होता है कि किन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को हमें पूरा करना है। और क्वालिटी कंट्रोल देखें तो हमें खुद ही पूरी करनी होती है कि किस तरीके की क्वालिटी हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं उन प्रॉब्लम्स का, उन सजेशंस का, जो कि हमें वो तरीके बता सके जिससे कि हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो एक तरीके की सिस्टमैटिक अप्रोच है जहाँ पे हम अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ऑब्टेन कर रहे हैं। और क्वालिटी एश्योरेंस की अगर हम बात करें तो क्वालिटी एश्योरेंस इज समथिंग दैट मस्ट बी प्लान फॉर द अर्ली स्टेज, कि हम अपने क्वालिटी एश्योरेंस के रिगार्डिंग जो भी प्लानिंग करते हैं वो अपने अर्ली स्टेज पे करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, जहाँ पे हम अपने रिगार्डिंग जितने भी अप्रोप्रिएट मेजर हैं उनको हर एक स्टेज में ले सकें। अनफॉर्चुनेटली अगर हम बहुत डेवलपमेंट चाहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के अंदर, तो हमें किसी भी तरीके के क्वालिटी एश्योरेंस को प्लान नहीं करना होता है, क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स के अंदर हम उन क्वालिटी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाते जो कि एक डोनर और बेनिफिशरीज के हैं। तो हमें उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना होता है उस प्रोजेक्ट में से, जो कि एबल हो हमारे कंसिस्टेंट कंप्लायंस को डेमोंस्ट्रेट करने के लिए जो कि किसी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स की होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल। अगर देखें हम तो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम उन चीज़ों का यूज़ करें, उन टेक्निक्स का यूज़ करें, उन एक्टिविटीज़ का यूज़ करें जिससे कि हम कंपेयर कर सकें हमारी एक्चुअल क्वालिटी परफॉर्मेंस को हमारे गोल से, जहाँ पे हम डिफाइन करें एक अप्रोप्रिएट एक्शन किसी भी शॉर्टफॉल के रेस्पॉन्स में।
साथ साथ इस प्रोसेस के अंदर हम मॉनिटर करें उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिजल्ट्स को जो कि डिटरमाइन किया जाएगा, जहाँ पे हम कंपाइल करेंगे अपने रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स को और साथ साथ आइडेंटिफाई करेंगे उन डिफरेंट अप्रोचेज को जिनको हमें एलिमिनेट करना है, उन कॉजेज को जो कि हमारी अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस को दे रहे हैं। अगर हम देखें तो जो गोल है हमारे क्वालिटी कंट्रोल का, वहाँ पे हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, साथ साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट आउटपुट्स को मॉनिटर करें, डिटरमाइन करें, जिससे कि हमारी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम पूरा कर सकें। साथ साथ जो भी डेफिनेशन हैं हमारी क्वालिटी के, उनके बेस्ड पे हम अपनी क्वालिटी स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशंस को देखें। अगर देखते हैं हम तो जो क्वालिटी कंट्रोल है उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर परफॉर्म करेंगे उन एफर्ट्स को, जिससे कि हम अपने स्कोप को मैनेज कर सकें, बजट को मैनेज कर सकें और शेड्यूल को मैनेज कर सकें। अगर फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो दैट इज़ एक्सेप्टेंस, कि अगर हम बेनिफिशरीज, डोनर और हमारे जितने भी की प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिलीवरी के लिए, तो हमें एक्सेप्टेंस करना होगा जो कि हमारे बेनिफिशरीज के बाद और हमारे डोनर्स के बाद होगी, जब हम किसी तरीके के प्रोडक्ट और सर्विसेज में चेंज कर रहे होंगे उसके इवैल्यूएशन के टाइम। सेकंड क्या है, रिवर्क, कि जो भी एक्शन हमें लेने हैं किसी भी प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट और सर्विसेज को रिजेक्ट करने के लिए और उसके कॉम्प्लेंस में, हम अगर अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखें, क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस को देखें और स्टेक होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन को देखें, तो जो रिवर्क है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है जब हम किसी प्रोजेक्ट के अंदर अपने उन एफर्ट्स को लगाते हैं जो कि गुड जॉब होंगी किसी भी क्वालिटी प्लानिंग में या क्वालिटी एश्योरेंस में, जहाँ पे हम अपने रिवर की नीड को अवॉइड कर सके। तो रिवर के अंदर जो हमारी कॉस्ट एसोसिएट होती है वो नॉट रिफंडेबल होती है किसी भी डोनर और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहाँ पे हम एंड अप में अपनी जितनी भी कॉस्ट है उनको कवर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टमेंट, कि जब हम किसी करेक्ट और नेसेसरी स्टेप्स को लेते हैं अपने चीज़ों को देखने के लिए कि किस तरीके की क्वालिटी प्रॉब्लम्स और डिफेक्ट्स हैं जो कि किसी क्वालिटी मेजरमेंट्स पे बेस्ड हैं, तो एडजस्टमेंट के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं उस प्रोसेस को जहाँ पे हम अपने आउटपुट्स को प्रोड्यूस कर सकें और उन डिसीजंस को ले सकें जो कि हमें किसी भी तरीके के डिफेक्ट और एरर्स को लीड करते टाइम होने चाहिए। तो जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं अपने चेंज कंट्रोल प्रोसेस के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, तो उनसे हम अपनी क्वालिटी पे कंट्रोल ला सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स थे जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट की स्कोप, शेड्यूल और बजट को मैनेज करने के लिए करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।